एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी रात के 9 बजने वाले हैं और आज मैंने सोचा आप लोगों से अपने दिल की बात शेयर करती हूँ। तो आज बहुत प्राउड मोमेंट था मेरे लिए यूनिवर्सिटी में। वैसे तो रोज़ ही कुछ ना कुछ नया होता है और मैं डॉक्टर साहब से कहती हूँ कि डॉक्टर साहब आज ये हुआ, आज वो हुआ। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, मैं सब कुछ डॉक्टर साहब के साथ शेयर करती हूँ और डेली एक नोट जो होता है वो डॉक्टर साहब के नाम का लिखती हूँ वहीं पर जो भी मैं वहाँ पर फील करती हूँ और जो भी वहाँ के मेरे एक्सपीरियंस होते हैं डेली के टाइम और डेट के अकॉर्डिंग मैं रोज़ उनसे बात करती हूँ, अपने नोट के जरिए बात करती हूँ। और वैसे तो मैं ढेरों बातें आज भी उनसे करती हूँ और आज जो है बहुत मुझे प्राउड फील हुआ अगेन कि मैं डॉक्टर पल्लव की वाइफ हूँ और मैं हमेशा डॉक्टर पल्लव की प्राउड वाइफ रहूँगी। तो आज क्या हुआ कि मैं लाइब्रेरी में, मेरी ड्यूटी थी, मैं बैठी थी लाइब्रेरी में तो कुछ स्टूडेंट्स आए मेरे पास कि मैम आप नीचे चलिए। तो मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे नीचे क्यों बुलाया जा रहा है, स्टूडेंट्स मुझे नीचे क्यों ले जाना चाह रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि बेटा मैं नीचे नहीं जा सकती बिकॉज़ लाइब्रेरी में ओनली मैं ही थी और बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं लाइब्रेरी में और बहुत सारा काम भी रहता है। तो वो बोले कि नहीं मैम, हम नीचे से परमिशन लेके आए हैं, आप नीचे चलिए और एक बार चलिए तो सही। उन्होंने मुझे नहीं बताया कि वो मुझे किस वजह से नीचे लेके जा रहे हैं। तो फिर मैं उनके कहने पे नीचे गई तो बहुत सारे बच्चे खड़े थे, डॉक्टर साहब के स्टूडेंट, 2019 के बैच के वो स्टूडेंट्स थे और वो सब लोग मेरा वेट कर रहे थे क्योंकि उन्हें मेरे साथ ग्रुप फोटो खिंचवानी थी। और वो किस लिए खिंचवानी थी उसका रीज़न भी आपको बताती हूँ कि डॉक्टर साहब के स्टूडेंट थे सारे और डॉक्टर साहब के लिए मतलब उनके मन में बहुत रिस्पेक्ट है अभी भी। उन सब लोगों ने मुझे नीचे बुलाया और फिर बोला कि मैम हम पल्लव सर के स्टूडेंट हैं और हम आपके जरिए उनको मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि आप हमारा मैसेज उन्हें दीजिएगा कि मैम आज भी हम पल्लव सर को याद करते हैं और वो बेस्ट टीचर थे। तो हम चाहते हैं कि हम जब यूनिवर्सिटी से जा रहे हैं यहाँ से तो हम आपके साथ फ़ोटो खिंचवाएं, इससे क्या उनको सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हमने पल्लव सर की वाइफ के साथ फ़ोटो ली और उन्होंने जो मैसेज दिया देना चाहा पल्लव सर को कि आज भी उनके दिल में पल्लव सर के लिए रिस्पेक्ट है और पल्लव सर की ढेरों यादें हैं उनके दिलों में। तो उन्होंने बहुत सारी तारीफें की डॉक्टर साहब की। तो मुझे अगेन आज प्राउड फील हुआ कि डॉक्टर साहब सबके दिलों में जिंदा है, जिन जिन लोगों से वो कनेक्टेड थे ना उन सबके दिलों में जिंदा है और हमेशा रहेंगे। और जब तक मैं हूँ, मैंने पहले भी कहा है कि जब तक मैं हूँ अथक है और मेरी फैमिली है और डॉक्टर साहब के हजारों स्टूडेंट्स हैं तब तक डॉक्टर साहब इस दुनिया में हैं और रहेंगे, मेरे बाद भी रहेंगे क्योंकि उनके तो इतने स्टूडेंट्स हैं जिनको उन्होंने निःशुल्क पढ़ाया है और बिना किसी स्वार्थ के शिक्षा दी है, ज्ञान अपना बांटा है अपने स्टूडेंट्स के साथ और बहुत कुछ बच्चों को भी वो सिखा के गए और मुझे बहुत कुछ सिखा के गए हैं। मैं उन्हीं को फॉलो करती हूँ और आज जितना कुछ भी मैं आगे बढ़ पाई हूँ तो जिसमें मेरे मम्मी पापा का, मेरी फैमिली का तो हाथ है ही, साथ में डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि वो हमेशा मुझे कॉन्फिडेंस देते थे कि नहीं तुम कर सकती हो, तुम्हें करना चाहिए, हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे हर काम को करने के लिए। तो जितना भी मैं आज खड़ी हो पाई हूँ मैं बार बार ये बात कहूँगी कि मेरे मम्मी पापा, मेरी फैमिली का तो था ही कि बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं और कमाने योग्य बनाते हैं, लेकिन अगर एक लड़की का सपोर्ट उसका हस्बैंड ना करे ना तो एक लड़की कुछ भी नहीं कर पाती है क्योंकि उसका घर चेंज हो जाता है तो कंडीशंस भी चेंज हो जाती हैं गर्ल्स के लिए। लेकिन डॉक्टर साहब हमेशा मेरे लिए सपोर्टिव रहे स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। स्टार्टिंग से इसलिए कहूँगी कि जब मेरा रिश्ता पक्का हुआ था तब मेरे ससुराल वालों की डिमांड थी कि शादी जल्दी हो और मेरा उस वक्त सिलेक्शन हो चुका था बीएड में, टीचर ट्रेनिंग में। तो मैं
मैंने डॉक्टर साहब से एक ही बात कही थी कि आप ना शादी के लिए एक साल का समय मुझे दे दे, क्योंकि मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करना चाहती हूँ। और उस वक्त सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर साहब ने अपनी फैमिली को कन्वेंस किया था कि नई शादी हम एक या सवा साल बात करेंगे जब शिप्रा की पढ़ाई पूरी हो जाएगी। तो आज आप देखिए कि डॉक्टर साहब ने उस समय अपनी फैमिली को कन्वेंस किया था, तो आज आप देख सकते हैं कि मैं इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाने के काबिल हूँ और मैं कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पर काम कर रही हूँ और मुझे किसी भी काम को करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है वहाँ पर, जस्ट बिकॉज डॉक्टर साहब ने उस समय मेरी बात को रखा था। और ये बहुत बड़ी बात है कि जब हमारा हमारी कोई जान पहचान नहीं थी, हम कनेक्टेड नहीं थे एक दूसरे से, लेकिन फिर भी उस वक्त उन्होंने सिर्फ हमारी हाँ ही हुई थी, एक दूसरे को पसंद किया था, उस वक्त भी उन्होंने मेरे बारे में सोचा कि हाँ ये पढ़ना चाहती है तो शादी जो है हम एक से सवा साल के बाद ही करेंगे। तो हमारी सगाई जो है सवा साल के लगभग चली थी। तो जितना भी कुछ मैं जो भी हूँ अभी, उसमें डॉक्टर साहब का भी बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ दिया है, और लाइफ में जो कुछ भी अगर मैंने कुछ अचीव किया लाइफ में कभी, तो उसमें डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा हाथ रहेगा। अभी भी आप देख सकते हैं ये जॉब जो है वो भी डॉक्टर साहब की बदौलत है। वहाँ पर इतनी रिस्पेक्ट मुझे मिल रही है, वो डॉक्टर साहब की बदौलत है, वरना मेरा अभी तक क्या रोल है उस यूनिवर्सिटी में, रोल नहीं है। मैं वहाँ पे डॉक्टर पल्लव की वाइफ के नाम से जाने जाती हूँ, इसीलिए मुझे फैकल्टी मेंबर्स हुए या एडमिन स्टाफ हुआ या जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, वो डॉक्टर साहब की वजह से ही देते हैं। तो जो कुछ हूँ डॉक्टर साहब की वजह से ही हूँ। मम्मी पापा फैमिली का तो हमेशा सपोर्ट रहता ही है, लेकिन एक हस्बैंड का सपोर्ट होना और ये बहुत बड़ी बात होती है। तो बस आज ये छोटी सी बात आप सबके साथ शेयर करनी थी। ये नोट जैसे ही स्टूडेंट्स ने मुझे फ़ोटो लेने के लिए बुलाया और जैसे ही मैं ऊपर गई मैंने ये नोट लिखा उनके लिए। रोज़ लिखती हूँ, डेली नोट लिखती हूँ, ढेरों नोट्स हैं ऐसे मेरे पास। अपने मन की सारी बातें डॉक्टर साहब से नोट्स के जरिए करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। बस मन में था कि आप लोग मेरी फैमिली हैं तो आपसे शेयर करना चाहिए, तो शेयर कर दिया। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। एक व्लॉग आएगा जो कि मैंने परसों का कल का बना के रखा है, यानी कि बुधवार का बना हुआ है, तो वो मैं इस वीडियो के बाद आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।